सोलन में पानी की समस्या का हल नहीं निकल पा रहा है, जिसकी वजह से कई वार्डों में लोग अभी भी पानी के लिए तरस रहे हैं। कई वार्डों में लोगों को पानी के टैंकर मंगवाकर पानी संग्रह करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर नगर निगम द्वारा भारी भरकम पानी के बिल भी आ रहे हैं। ऐसे में उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वह पानी के बिल जमा करवाएं या फिर पानी के टैंकर का भुगतान करें। वहीं दूसरी ओर नगर निगम के अधिकारियों की माने तो उनका कहना है कि टैंकों में जितना पानी आ रहा है उतना वह सप्लाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आईपीएच विभाग पानी की सप्लाई ठीक से नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से ये दिक्कत परेशानी आ रही है। नगर निगम ज्वाइंट कमिश्नर प्रियंका चंद्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि अगर सोलन वासियों को रोज पानी देना है तो उन्हें 40 लाख गैलन की आवश्यकता है, लेकिन अगर एक दिन छोड़कर पानी शहर में देना हो तो करीब 20 लाख गैलन की आवश्यकता है, परंतु आईपीएच उन्हें केवल 15 लाख गैलन ही पानी उपलब्ध करवा रहा है, जिसकी वजह से शहर में पानी की भारी किल्लत चल रही है। उन्होंने कहा कि नगर निगम तो केवल शहर में पानी की सप्लाई करती है, लेकिन आपूर्ति का काम आईपीएच विभाग का है। जितना भी पानी आईपीएच विभाग देगा, नगर निगम उसे शहरवासियों को उपलब्ध करवाएगा। उन्होंने कहा कि यह सिलसिला पिछले एक सप्ताह से चल रहा है। तो अगर एक हर रोज किसी को पानी चाहिए, एवरीडे अगर हमें पानी चाहिए, तो ऑलमोस्ट 40 लाख गैलन के आसपास जो है पानी रिक्वायर्ड है, बट इतना नहीं आता है, इतना नहीं, हमें सप्लाई इतनी नहीं होती है। तो हमें जो है ऑल्टरनेट डे पे अगर हमें रखना हो तो हमें ऑलमोस्ट 20 लाख गैलन की रिक्वायरमेंट होती है। अब 20 लाख गैलन के अगेंस्ट जो हमें आ रहा है वो आजकल जो है, जैसे आज के दिन 14.95 गैलन है, तो इसमें भी एक डिफरेंस है, 5 से 6 लाख गैलन का डिफरेंस है। और ये जो है ये ऑलमोस्ट एक हफ्ते से ये चला हुआ है, पीछे थोड़ा काफ़ी कम हो गया था। तो हमें तो हम डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे हैं, हमें जितना पानी आता है हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये है पानी ना आने का कारण जो है, हम डिस्ट्रीब्यूशन पे है वो ज़्यादा आपको आईपीएच से ही पता चल पाएगा कि क्या वहाँ पे रीजंस है। हमारी 3 सप्लाई चलती है वहाँ से, आई थिंक 2 आसनी गिरी है और एक जो है हमारा कौन सी एक 2 आसनी है हमारे ना, तो ये 3 जो पानी आते हैं। तो अब वहाँ पे वो एग्जैक्टली कुछ जो सुनने में आया कुछ वोल्टेज का इशू है, बट मुझे क्लियर नहीं है, आई कैन नॉट गिव यू अ क्लियर पिक्चर, वो आपको वहीं से पता चल पाएगा, बट ये है डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हमारे इतने हो रही है। सोलन में पानी की समस्या का हल नहीं निकल पा रहा है, जिसकी वजह से कई वार्डों में लोग अभी भी पानी के लिए तरस रहे हैं। कई वार्डों में लोगों को पानी के टैंकर मंगवाकर पानी संग्रह करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर नगर निगम द्वारा भारी भरकम पानी के बिल भी आ रहे हैं। ऐसे में उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वह पानी के बिल जमा करवाएं या फिर पानी के टैंकर का भुगतान करें। वहीं दूसरी ओर नगर निगम के अधिकारियों की माने तो उनका कहना है कि टैंकों में जितना पानी आ रहा है उतना वह सप्लाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आईपीएच विभाग पानी की सप्लाई ठीक से नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से ये दिक्कत परेशानी आ रही है। नगर निगम ज्वाइंट कमिश्नर प्रियंका चंद्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि अगर सोलन वासियों को रोज पानी देना है तो उन्हें 40 लाख गैलन की आवश्यकता है, लेकिन अगर एक दिन छोड़कर पानी शहर में देना हो तो करीब 20 लाख गैलन की आवश्यकता है, परंतु आईपीएच उन्हें केवल 15 लाख गैलन ही पानी उपलब्ध करवा रहा है, जिसकी वजह से शहर में पानी की भारी किल्लत चल रही है। उन्होंने कहा कि नगर निगम तो केवल शहर में पानी की सप्लाई करती है, लेकिन आपूर्ति का काम आईपीएच विभाग का है। जितना भी पानी आईपीएच विभाग देगा, नगर निगम उसे शहरवासियों को उपलब्ध करवाएगा। उन्होंने कहा कि यह सिलसिला पिछले एक सप्ताह से चल रहा है। तो अगर एक हर रोज किसी को पानी चाहिए, एवरीडे अगर हमें पानी चाहिए, तो ऑलमोस्ट 40 लाख गैलन के आसपास जो है पानी रिक्वायर्ड है, बट इतना नहीं आता है, इतना नहीं, हमें सप्लाई इतनी नहीं होती है। तो हमें जो है ऑल्टरनेट डे पे अगर हमें रखना हो तो हमें ऑलमोस्ट 20 लाख गैलन की रिक्वायरमेंट होती है। अब 20 लाख गैलन के अगेंस्ट जो हमें आ रहा है वो आजकल जो है, जैसे आज के दिन 14.95 गैलन है, तो इसमें भी एक डिफरेंस है, 5 से 6 लाख गैलन का डिफरेंस है। और ये जो है ये ऑलमोस्ट एक हफ्ते से ये चला हुआ है, पीछे थोड़ा काफ़ी कम हो गया था। तो हमें तो हम डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे हैं, हमें जितना पानी आता है हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये है पानी ना आने का कारण जो है, हम डिस्ट्रीब्यूशन पे है वो ज़्यादा आपको आईपीएच से ही पता चल पाएगा कि क्या वहाँ पे रीजंस है। हमारी 3 सप्लाई चलती है वहाँ से, आई थिंक 2 आसनी गिरी है और एक जो है हमारा कौन सी एक 2 आसनी है हमारे ना, तो ये 3 जो पानी आते हैं। तो अब वहाँ पे वो एग्जैक्टली कुछ जो सुनने में आया कुछ वोल्टेज का इशू है, बट मुझे क्लियर नहीं है, आई कैन नॉट गिव यू अ क्लियर पिक्चर, वो आपको वहीं से पता चल पाएगा,
बट ये है डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हमारी इतनी हो रही है।